हाय, आई एम ज्योति। वेलकम टू ज्योति एजुकेशन सेंटर। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे अपने लास्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो आज उसका सेकंड पार्ट करके टेंसेस को पूरी तरह से हम फिनिश करते हैं। आई होप अब आप टेंसेस सीख गए होंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम आज। मैं वीडियो में आपको बताऊंगी एक्सेप्शन और माय मिस्टेक्स, और आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगी एक फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए। बेल आइकन बटन प्रेस करने से आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और अभी तक आपको किसी भी वीडियो में डाउट है, मैं अभी से आपको बोल रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट करते रहें, मेल करते रहें, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगी। और अगर जरूरत पड़ी तो एक सेपरेट वीडियो भी उन डाउट्स पर आपको बनाऊंगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन के साथ। आज बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि लास्ट टेंस है, इसके बाद से हमारे न्यू टॉपिक्स कुछ स्टार्ट होंगे। हु, सबसे पहले मैंने एक्सेप्शन में लिया हु। हु में क्या एक्सेप्शन है, क्यों एक्सेप्शन है? हु में सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अब सब्जेक्ट पर ही क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन। अब तक तो आपको ये बात समझ भी आ गई होगी। देखिए कैसे, कल 4 बजे से इस कमरे में कौन सो रहा होगा, तो जहां पर आप सब्जेक्ट लगाते कि राम सो रहा होगा, वह सो रहा होगा, वे सो रहे होंगे, उसी पर ही हमने क्वेश्चन कर लिया। तो जब सब्जेक्ट पर ही क्वेश्चन कर लिया तो सब्जेक्ट ही हु बन गया एक तरह से हमारा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन होता है, इसमें छोटा सा एक्सेप्शन है। मैंने आपको बताया था हु के मतलब, कोई भी जब हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं डबल इंटरोगेटिव में, लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर में बताया था, उसके बाद सब्जेक्ट आता है विल के बाद, लेकिन इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो कभी भी नहीं होगा इसका सब्जेक्ट। ये बात आप ध्यान रखिएगा। विल हैव बीन, डायरेक्ट विल हैव बीन आ जाता है। तो आप ये देखो, अगर आप यहाँ पर कोई नेम लगा दो तो एकदम अफर्मेटिव लग रहा है, तो वो होता तो इंटरोगेटिव है लेकिन एक्ट करता है अफर्मेटिव और नेगेटिव की तरह। अगर नेगेटिव आता है तो विल नॉट हैव बीन, जबकि सब्जेक्ट के बाद नॉट रहता है, लेकिन यह सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसको एक्सेप्शन में अलग आपको बताया है। कल 4 बजे से इस कमरे में कौन सो रहा होगा, तो कौन, इसके बाद सब्जेक्ट है ही नहीं, तो विल हैव बीन एक साथ आ जाएगा, हैव बीन स्लीपिंग। तो आपको स्ट्रक्चर समझ भी आ गया होगा, मर्फ लगता है एनजी, इन दिस रूम टुमारो, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद 4 बजे से पॉइंट टाइम की बात कर दी मैंने, कौन सा टाइम, डेफिनेट टाइम की, मैंने काउंटिंग की बात नहीं की, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है सिंस को, क्या करते हैं फॉर करता है कैलकुलेशन, तो कितने थे, ये तो सिर्फ एक टाइम बता देता है जहां से स्टार्ट हुआ है छुट्टी की, सिंस 4 o'clock, इस टाइप से। अगर मैं इसमें नेगेटिव लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, कल 4 बजे से इस कमरे में कौन नहीं सो रहा होगा, अगर मैं ऐसे लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहां लग जाएगा, विल नॉट हैव बीन, यही नेगेटिव में लगता था, सेम की सेम स्ट्रक्चर, हु विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग इन दिस रूम टुमारो सिंस 4 o'clock। अब एक्सेप्शंस पे बात करते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हूज और विच की, देखते हैं इसमें क्या एक्सेप्शन होता है। तुम कल 4 बजे से कौन सी किताब पढ़ रहे होंगे, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड पर जाते हैं, कौन सी, ठीक है, कौन सी के लिए विच यूज होती है, तो ठीक है विच लगा दिया। अब इसके बाद बिल, लेकिन आप क्या देख रहे हो, तो बुक आ गया, इसमें क्या एक्सेप्शन होता है, हाउ मेनी, हाउ मच, हूज, विच, ये चारों क्वेश्चन वर्ड कभी अकेले नहीं रहते, उनसे रिलेटेड जो वर्ड होता है उसको भी मिलाकर क्वेश्चन वर्ड बना लेते हैं, जैसे कि ये कौन सी किताब, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड बन गया है, विच बुक, ठीक है। तो इसके साथ जो लगा होता है ऐसे वर्ड रिलेटेड नाउन जिसे हम कह सकते हैं, उसको भी ये साथ में ले लेते हैं और मिलके पूरा क्वेश्चन वर्ड बना लेते हैं, विच बुक। इसके बाद से स्टार्ट होगा हमारा सेम रूल, विल लगता है, इसके बाद सब्जेक्ट लगता है, यू हैव बीन लगता है, रीडिंग सिंस 4 o'clock, विच बुक विल यू हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock, ये इसमें एक्सेप्शन होता है, चारों में आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम एक और सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, कितने लड़के दोपहर से शोर मचा रहे होंगे, तो कितने की, पहले आप ये बताइए हाउ मच या हाउ मैनी, क्या होती है कितने की, दोनों ही कितने हैं, तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हुई आ रही हूँ, अनकाउंटेबल चीज है जिनको हम फिंगर्स का काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए हम यूज करते हैं हाउ मच।
और काउंटेबल चीजें जिनको हम काउंटेबल आइटम जिनको हम फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं 1 2 3 नंबर की फॉर्म में उनके साथ हम यूज करते हैं हाउ मेनी। अब इसमें कितने लड़के हैं तो हाउ मेनी बॉयज, क्योंकि ये काउंटेबल है। अच्छा तो अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, जैसे कि हमने बात कर दी हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, मनी, हाउ मच वर्क, कितना काम, एक काम, दो काम, तीन काम, ऐसे नहीं, क्योंकि काम है उसके अंदर हम काउंट कर सकते हैं। हाउ मच वर्क, अच्छा अगर हम रुपए और पैसे की बात करें तो कितने पैसे, हाउ मेनी पैसे, हाउ मेनी रुपीज, लेकिन हम मनी की फॉर्म में लिखे ना हाउ मच मनी तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अब कितने लड़के, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो इसको भी हम क्या बनाएंगे, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। अच्छा अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये भी हो सकता है, विल के पास सब्जेक्ट है ही नहीं तो नहीं लगाएंगे, दूसरा एक्सेप्शन, इसमें दो दो एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, जनरली इसमें होता है, कभी कभी नहीं भी होता। हाउ मेनी बॉयज डिल, अगर सब्जेक्ट होता लगाते तो हम स्किप कर दिए, हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून, किस पे लिखा है, दोपहर से, दोपहर की होती है सिंस नून, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून। नाउ कॉमन मिस्टेक्स, हम कौन कौन से मिस्टेक हम जनरली करते हैं आइए देखते हैं, और अब हम नहीं करेंगे उससे आगे, तो ध्यान से देखिए 3 types की मिस्टेक जो बहुत ही जनरली स्टेंस पर कर जाते हैं स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ क्लियर होने के बाद भी। सबसे पहले स्टेटिव वर्ब, जैसा कि मैं बताती आ रही हूँ कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी आईएनजी फॉर्म में स्टेटिव वर्ब का यूज नहीं होता है, अगर वो हाँ कुछ केसेस में होता है, ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है, मेरी सेपरेट वीडियो मैंने डायनेमिक स्टैटिक मिक्स वर्ब की सेपरेट वीडियो बनाई है, मिक्स वर्ब में मैंने आपको बताया है कि कहाँ पर स्टेटिव वर्ब कभी कभी डायनेमिक की तरह भी बिहेव कर सकती है, ठीक है। तो आप मेरी उन वीडियो में जाकर समझिए तो उससे आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। आइए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा रही हूँ, बाय नेक्स्ट ईयर We will have been knowing their family for 30 years. तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, knowing. Know क्या है? Stative verb है. हम एक दूसरे को जानते हैं, उसकी mental state show कर रहे हैं हम अपनी की हम जान चुके, जान रहे होंगे 30 years. Next साल तक हमें जाने हुए कितना time हो जाएगा? 30 साल. इस type से हम बोलना चाहते हैं. हमें जाने हुए 30 years हो जाएंगे, family को हो चुके होंगे पहली बात तो. ठीक है, नेक्स्ट ईयर होते हैं 30 years कंप्लीट हो जाएंगे कि हम एक दूसरे की फैमिली को जानते हैं, इतने टाइम से हम लोग फ्रेंड बने हैं, इस टाइप से हम बोलना चाह रहे तो नहीं, नोइंग यूज नहीं करेंगे, ये गलत है, नोइंग नहीं यूज होगा और यहाँ से बीन हट जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट यूज करिए, इंडेफिनेट या परफेक्ट यूज होता है। माई नेक्स्ट ईयर वी विल हैव, और विल हैव फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्म होती थी, हेल्पिंग वर्ब होती थी ना फ्यूचर परफेक्ट की। By next year we will have known their family for 30 years. अभी अच्छा है कि next year तक हमें एक दूसरे को जाने हुए 30 साल हो चुके होंगे, ये सही लग रहा है, ठीक है। Since और for में क्या mistake, that girl will have been singing for 3 minutes. Since 3 minutes. मैम ये तो आपने सही लिखा है, यस ये मैंने सही लिखा है, कंफ्यूज करने के लिए, सही है। फॉर किस किस ने सिंस सोच लिया था कि फॉर मिस्टेक में लिखा है तो सिंस ही होगा, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, क्यों भाई हम इसमें काउंट कर रहे हैं ना मिनट्स के बारे में, कैलकुलेशन करनी पड़ रही है तो कैलकुलेशन करना तो फॉर का काम है, सिंस का तो बस स्टार्टिंग टाइम देके फ्री हो जाता है वो तो, ठीक है। टाइम क्लॉज, अच्छा मैंने दो सेंटेंस बताया था, इसमें दो एक्शन किए जाते हैं, बिफोर का यूज होता है या कभी वैन का, कोई भी टाइम क्लॉज हम यूज करते हैं, उसमें कभी भी फ्यूचर का यूज नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, लेकिन ये भी हम मिस्टेक कर जाते हैं। ही विल हैव बीन वेटिंग एट स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर यू विल अराइव, बिफोर यू अराइव, यहाँ से विल हट जाएगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा कि पहला जो काम हुआ वो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होगा, उसके बाद इंडेफिनिट वाला होगा, आने से पहले तुम आ जाओगे उससे पहले ही हम स्टेशन पर पहुंच रहे हो। नाउ करेक्ट 10 sentences, प्रैक्टिस एक्सरसाइज एक सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप मेरी वीडियो को पॉज करिए, 10-15 minutes जितना टाइम आप लेना चाहते हो उतना लीजिए, खुद सॉल्व करिए, और इसके बाद मैं अभी यहाँ बताने जा रही हूँ, मैच कीजिए कि आप कितना करेक्ट है आपका, कितना आप इनकरेक्ट कर रहे हो, और कोई भी चीज अगर इनकरेक्ट है आप सॉल्व करने मैं एबल नहीं है तो
तो आप मेरी दोबारा वीडियो में जाइए, स्ट्रक्चर देखिए और जो भी टॉपिक देखिए उसमें क्या मिस्टेक है, तो आप बात जरूर लर्न पूरा कर पाएंगे। तो प्लीज ये जरूर कीजिए, आप मेरी पहले खुद सॉल्व कीजिए। इस एक्सरसाइज का यही फायदा है, मैं एक्सरसाइज इसलिए करवाती हूँ जिससे आप खुद कर लें। अगर आप साथ के साथ बस देखते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग सॉल्व करके चेक कीजिए। पहले पॉज करके स्टार्ट। By the end of this month, we will have been having a car for 3 years. इस मंथ के एंड तक हमें अपनी कार लिए हुए 3 साल हो जाएंगे, 3 साल के लिए। तो सबसे पहले ये स्टेट, इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। Having मेरी कंडीशन बता रहा है, फाइनेंशियल स्टेट बता रहा है, पजेशन है एक मेरे पास। ठीक है, तो उसमें हमने कैसे यूज कर दी भाई, ING स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट आ गया ना इसमें, ये तो यहां से वीन हट जाएगा और थर्ड फॉर्म लगती है। वी विल हैव हैड अ कार फॉर 3 इयर्स। बाय द एंड ऑफ इस मंथ के एंड तक हमें कार लिए हुए 3 साल के लिए हो जाएंगे। वी विल हैड अ कार फॉर 3 इयर्स। ठीक है, व्हेन नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल पास द एग्जामिनेशन, ही विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 7 इयर्स। इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। अभी बताया था मैंने कॉमन मिस्टेक में टाइम क्लॉज, दोनों में हम जहां भी टाइम क्लॉज होता है वहां पर फ्यूचर यूज नहीं होता है। कौन सा यूज करते हैं, बल्कि फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या आ जाएगा इसमें, व्हेन ही, फ्यूचर इंडेफिनिट में पासेस, व्हेन ही पासेस द एग्जामिनेशन ही विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 7 इयर्स। आई होप अब आप ये करेक्शन फाइंड कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे तो दोबारा पढ़िए। ठीक है, इसलिए ये मैं वीडियो आपको बता दूँ, इसलिए कुछ 5 से 10 सेंटेंस मैं जरूर लिखती हूँ। बाय नेक्स्ट जुलाई ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2021। इसमें तो क्लियर दिख रही है 2021 एक डेफिनेट टाइम है स्टार्टिंग, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो उसमें हमने भाई फॉर कैसे यूज कर दिया, क्या यूज करेंगे हम, सिंस। When she will get married, she will not have been working in this office for 2 years. अब तो पहचान लिया होगा, she will नहीं, she gets. ठीक है, she will have not been working hard for 5 years. Negative. ये not इधर कैसे चला गया भाई, ये भी mistake हो जाती है ना। structure में जाइए आप मेरे negative sentence में, she will not have been working hard for 5 years. तो इस तरह से आप यहाँ पर हो गए correct the sentence. तो आइए तीनों continuous, perfect continuous video का revision कर लेते हैं. Present perfect continuous, इसमें क्या helping verb use होती है, ठीक है, इस टाइप से हम देखते हैं। Affirmative में इसमें has या have been लगता है, singular में has been और plural में have been. Past मैं हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें हैड बीन यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सब भाई अफर्मेटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, विल हैव बीन। अच्छा नेगेटिव में क्या चेंज होता है, नेगेटिव में इसमें हैज और बीन के बीच में क्या लग जाता है, नॉट, हैज नॉट बीन या फिर हैड नॉट बीन। ऐसी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड नॉट बीन, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल नॉट हैव बीन। इंटरोगेटिव में हैज या है, ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो उससे पहले क्वेश्चन वर्ड हैज या है, मैं मेन बता रही हूं जहां पर चेंज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आता है बीन। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंटरोगेटिव में हैड आता है, सब्जेक्ट के बाद बीन, इसमें हमें हैज है कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सब में हैव यूज होता है। अच्छा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या आता था, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, ठीक है, बिल के बाद सब्जेक्ट बचा हुआ पार्ट। तो इस टाइप से आपके प्लुरल टेंसेस फिनिश होते हैं। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप सब तरह के टेंसेस कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, किसी की भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अभी तक आपको मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मेल करिए, बताइए मुझे, मैं उसी टॉपिक पर आपको दोबारा वीडियो बना के बताऊंगी। और नेक्स्ट टॉपिक में क्या लूँ आप प्लीज मुझे मेल करके जरूर बताइए। टेंसेस तो अब आपका फिनिश हो गया है, मैं वही टॉपिक स्टार्ट करूंगी इंग्लिश ग्रामर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।